चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है आपकी टाइप्स ऑफ कटिंग। तो देखिए आपकी कटिंग जो होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। पहली आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग और सेकंड आपकी होती है ऑब्लिक कटिंग। तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम ऑब्लिक कटिंग की बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है कि जब टूल ट्रेवल की डायरेक्शन कटिंग एज के परपेंडिकुलर होती है तो ऐसी कटिंग को हम ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं। यानी ऑर्थोगोनल कटिंग में आपका कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनवा है आपका, ठीक है? तो इस प्रकार की कटिंग को टू डायमेंशनल कटिंग भी कहते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्थोगोनल कटिंग का दूसरा नाम क्या है, टू डायमेंशनल कटिंग, ठीक है? इसके एग्जाम्पल है आपके शेपिंग, टर्निंग एंड प्लेनिंग। मान लीजिए कुछ मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए यह आपका वर्क पीस है, ठीक है? इसमें आपकी टर्निंग है, तो आपको पता है कि टर्निंग में आपका क्या होता है, डायमीटर रिड्यूस होता है, कम किया जाता है। तो अगर आपका वर्क पीस है ये पूरा, इसका डायमीटर रिड्यूस करके आप इस शेप में लाए हो, तो आपका जो आपका टूल होगा वो किस तरह से होगा, कुछ उसका कटिंग है इसके 90 डिग्री एंगल ये बनाएगा, ठीक है? ये आपकी फीट दे जा रही है, तो इसका मतलब ये जो आपका एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है? इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा। अब हम देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए पहला पॉइंट है कि टू डायमेंशनल कटिंग नॉर्मली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होती है। इस प्रकार की कटिंग में केवल एक कटिंग एज होती है, ठीक है? तो ऑर्थोगोनल कटिंग को हम टू डायमेंशनल कटिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से मैंने आपको याद रहे तो 2D ही ज़्यादातर यूज किया है। तो आपको याद रखना है कि ऑर्थोगोनल कटिंग जो होती है वो मोस्टली आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होती है। और अब आपको सारी प्रॉपर्टीज सिंगल पॉइंट टूल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आपको पता है कि सिंगल पॉइंट टूल में एक कटिंग एज होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, 2D कटिंग में चिप फ्लो की डायरेक्शन कटिंग एज के परपेंडिकुलर होती है। ये भी यानी आपका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट है कि इस प्रकार की कटिंग में कटिंग एज वर्क पीस से बाहर निकलते हुए कटाई करता है, ठीक है? एंड फोर्थ पॉइंट है आपका, इस प्रकार की कटिंग में चिप थिकनेस मिडिल में होती है। ये आप पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थोगोनल कटिंग में जो चिप की थिकनेस है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपका पॉइंट याद रखेंगे कि इस प्रकार में कि कटिंग में चिप थिकनेस जो होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी मिडिल में होती है। उसके बाद मिडिल में क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है? उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने टाइप टू कटिंग की, यानी आपकी क्या है, ऑब्लिक कटिंग। तो ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, आपका एंगल बनता है किससे, एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा आपका ऑब्लिक कटिंग में, ठीक है? तो आप ये दोनों चीज़ याद रखोगे कि ऑर्थोगोनल में 90 एंड ऑब्लिक कटिंग में 90 से कम, यानी लेस देन 90। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब टूल ट्रेवल की डायरेक्शन कटिंग एज के परपेंडिकुलर ना होकर इंक्लाइंड होती है तो ऐसी कटिंग को क्या बोलते हैं, हम लोग ऑब्लिक कटिंग बोलते हैं, ठीक है? इसमें आपको अगर आप ऑब्लिक कटिंग करेंगे तो ये मानिए आपका वर्क पीस है, तो आपका यहाँ पे आपको कैसी टर्निंग मिलेगी, यानी यहाँ पे आपका टेपर मिलेगा अगर आप इसमें टर्निंग करोगे, क्योंकि आपका जो ये टूल होता है वो 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक सिमिलर में डाया आपका नहीं मिलेगा, आपका जहाँ भी टूल की कटिंग एज होगी वहाँ कैसा होगा, थोड़ा सा आपको टेपर मिलेगा कटिंग में, तो आप ये चीज़ याद रखोगे। उसके बाद आपका एग्जांपल है, जैसे कि ये ऑब्लिक कटिंग कहाँ यूज होती है, जब आप ब्रॉचिंग करते हो, ग्राइंडिंग करते हो, ड्रिलिंग करते हो, तो ऐसी जगह आपकी ऑब्लिक कटिंग यूज होती है। तो चलिए देखते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए पहला पॉइंट है कि ऑब्लिक कटिंग नॉर्मली मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा कटिंग एज होती हैं। उसके बाद ऑब्लिक कटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D या 3D कटिंग भी बोलते हैं। तो जैसे ऑर्थोगोनल को आप 2D या 2D कटिंग बोल सकते हो, वैसे आप ऑब्लिक कटिंग को 3D या 3D कटिंग बोलते हो, ठीक है? सेकेंड पॉइंट आपका है कि 3D कटिंग में चिप फ्लो की डायरेक्शन टूल ट्रेवल की परपेंडिकुलर ना होकर इंक्लाइंड होती है, यानी उसका एंगल कितना होगा, लेस देन 90 से कम एंगल बनेगा आपका, ठीक है? थर्ड पॉइंट है कि इस प्रकार की कटिंग में चिप थिकनेस कहीं पर भी मैक्सिमम हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑर्थोगोनल में चिप थिकनेस जो मिडिल में मैक्सिमम होती है, और इसमें कहीं पर भी ऑब्लिक कटिंग में कहीं पर भी मैक्सिमम हो सकती है। तो
तो ये थे आपके कुछ ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल, हमारे सबके चैनल में उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।